अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, कि आयन क्या है और फ्री रेडिकल्स क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। आयन एंड फ्री रेडिकल्स, द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आयन क्या है? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिन पर कोई भी चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं आयन। फिर से बोलता चलूँ, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिन पर कोई चार्ज होता है, इनको हम बोलते हैं आयन। अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं, जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एटम है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के हैं वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, दैट इज़ आयन। फ्री रेडिकल्स एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। आयन, पॉइंट नंबर 1, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन। एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पर कोई चार्ज होता है वो है आयन। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 2, देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट में इनकी फॉर्मेशन में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 पे देखें, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑड हैं, वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई एटम रखता हो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। नंबर 2 पे देखें, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये आयन और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की आयन और फ्री रेडिकल्स के डिफरेंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।